हूं स्नेहलता शुक्ला, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात प्रयागराज के में हुए उस हत्याकांड की, जिसने यूपी ही नहीं पूरे देश की राजनीति की तपिश पढ़ा दी है। क्योंकि जिस अतीक अहमद को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, अब उसी को लेकर के मायावती और शिवपाल यादव के बीच इस बात पर जंग छिड़ गई है कि अतीक आखिर किसका प्रोडक्ट है। वहीं एक लड़ाई अब अखिलेश ने यूपी के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट मांगकर शुरू कर दी है, तो वहीं भाजपा भी मैदान में उतर आई है। साथ ही में बात होने वाली है आज विश्लेषण में संकट में पड़े समाजवादी पार्टी के एक और नए विधायक की, तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा ताकतवर वाला बूस्टर किसके दम पर दिल्ली में हैट्रिक की तैयारी हो रही है। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। विश्लेषण में आज सबसे पहले बात माफिया अतीक अहमद पर मचे सियासी संग्राम की। प्रयागराज के हत्याकांड के बाद हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद को किसने पाला पोसा। क्योंकि अभी तक अगर देखें सपा भाजपा पर हमला बोल रही थी, लेकिन अब मायावती ने ये कहते हुए सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि अतीक सपा का प्रोडक्ट है। वहीं माया के हमले के बाद शिवपाल ने पलटवार भी किया, मायावती पर यह कहते हुए हमला बोला कि राजनीति ट्वीट से नहीं चलती है। अब इसी को लेकर सपा बसपा में जुबानी जंग शुरू हो गई है। उधर भाजपा मायावती के ट्वीट को सही बता रही है। बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। अतीक पर सियासी संग्राम, मायावती वर्सेज शिवपाल। अतीक को किसने बनाया नेता, मायावती ने बोला हमला। प्रयागराज में शुक्रवार को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां एक तरफ पुलिस एक्शन में है, दूसरी तरफ राजनीति सातवें आसमान पर है। क्योंकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद किसका प्रोडक्ट है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जंग छिड़ गई है। बसपा अतीक अहमद को सपा का प्रोडक्ट बता रही है, सपा इसे बसपा खिलाड़ी बता रही है। और अब इसी को लेकर मायावती और शिवपाल यादव के बीच जंग छिड़ गई है। क्योंकि मायावती ने ट्वीट करते हुए अतीक को न सिर्फ सपा का प्रोडक्ट बताया, बल्कि इस पर सपा को राजनीति न करने की नसीहत दे दी है। मायावती ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ चार ट्वीट दागे है, जिसमें एक ट्वीट में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस मामले में अगर अतीक की पत्नी का नाम आता है तो वो शाइस्ता परवीन को पार्टी से निष्कासित करने तक में गुरेज नहीं करेंगी। अब मायावती के इन ट्वीट पर शिवपाल यादव ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि राजनीति ट्वीट से नहीं चलती, इसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो विधानसभा में इतनी इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। अब शिवपाल के पलटवार करने के बाद बसपा और सपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, तो भाजपा इस लड़ाई में बसपा के साथ नजर आ रही है। इत्तेफाक है कि वो कभी समाजवादी पार्टी में भी आए थे और आज उनकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी में है। बहरहाल वो समाजवादी पार्टी में थे या बहुजन समाज पार्टी में है, अपराधी को कभी भी किसी पार्टी किसी जातों की तराजू पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि कानून के तराजू पर तोलना चाहिए। कानून की नज़र में अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने में सरकार को रंच मात्र देरी नहीं करनी चाहिए। देखिए वो तो सब जानते हैं, वो पूरी तरह से जिस समय राजू पाल की हत्या हुई थी उस समय वह समाजवादी पार्टी में ही थे। राजू जी आपकी पार्टी के विधायक, और राजू पाल हमारी पार्टी के विधायक थे। और चूंकि ये दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी पे उनकी पत्नी पूजा पाल जी जो आज विधायक हैं आरोप लगाती रही हैं, उसी पार्टी में वो भी चली गई।
तो निश्चित रूप से जिस पार्टी में पहले से ही अतीक मौजूद हैं तो उस समय अतीक के हत्यारे थे, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है, इसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। आप जानते हैं कि ये सब उन्हीं के पुष्पित पल्लवित किए हुए लोग हैं और इसमें बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। मायावती का ये जो ट्वीट था वो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को चुभ गया। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि आज की राजनीति में केवल ट्वीट करने से ही राजनीति नहीं हो जाती। उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि 5 साल से उसे किसका संरक्षण मिल रहा था। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सरकार पर भी शिवपाल यादव ने सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि अतीक को लेकर ये लड़ाई शनिवार को विधानसभा में उस वक्त शुरू हुई थी जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज की घटना का जिक्र करते हुए सूबे की सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिस पर सीएम योगी ने न सिर्फ हमला बोला था बल्कि अतीक को सपा का प्रोडक्ट बता दिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी इस कदर नाराज हुई थी कि अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि बसपा से भाजपा की दोस्ती है इसलिए वो बसपा का नाम नहीं ले रही है। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम पर तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही है, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। अब सवाल इस बात का है कि अतीक को लेकर शुरू हुई राजनीति कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि सच तो यह है कि अतीक सपा और बसपा दोनों से जुड़ा रहा है, लेकिन अब दोनों ही अतीक वाले चैप्टर को अपने अपने खाते से हटा देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां एक तरफ मायावती और सपा के बीच जंग छिड़ी है, वहीं एक लड़ाई अब अखिलेश यादव ने सरकार से टॉप 10 माफिया की लिस्ट जारी करने की मांग करके छेड़ दी है, क्योंकि जब से प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई है तभी से समाजवादी पार्टी मोर्चा खोले हुए है, लेकिन अब भाजपा अखिलेश की माफिया वाली लिस्ट पर यह कहते हुए मैदान में उतर आई है कि अतीक हो या मुख्तार, इन सबको सपा ने ही पाला पोसा है। सवाल बड़ा यह है कि यूपी के टॉप 10 माफिया आखिर कौन है और इनका कौन है साथिया। माफिया पर दंगल, प्रयागराज हत्याकांड का सियासी एंगल। टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। यूपी के टॉप 10 माफिया कौन, किसका साथिया? लोग जानते हैं कि सपा में ही ऐसे अपराधी पुष्पित पल्लवित होते हैं, हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ कड़ी कार्रवाई करेगी। जब से प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई है, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति इस कदर गर्म है कि अब अखिलेश यादव और भाजपा के बीच टॉप 10 माफिया की लिस्ट जारी करने को लेकर जंग छिड़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां भाजपा को घेरते हुए यूपी के टॉप 10 माफिया की लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा अखिलेश यादव पर ये कहते हुए पलटवार कर रही है कि अतीक और मुख्तार जैसे जितने भी माफिया हैं उन्हें सपा ने ही पाला पोसा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की, टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। ऐसे सभी माफिया हैं जो समाजवादी पार्टी में ही पुष्पित पल्लवित होते रहे हैं, हमारी सरकार एक एक को ढूंढ ढूंढ करके कड़ी कार्रवाई करेगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने भाजपा से माफिया की सूची मांगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के टॉप 10 माफिया की सूची जारी करने से भाजपा सरकार पीछे हट रही है। दरअसल अखिलेश यादव का सीधा इशारा पूर्वांचल के बाहुबली नेता की तरफ है, जिसे लेकर वो लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। देखना ये होगा कि अखिलेश यादव की इस चुनौती का भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है। दरअसल ये पूरी लड़ाई इस बात की है कि किस माफिया या किस बाहुबली का किस पार्टी के साथ कनेक्शन है, क्योंकि जब से प्रयागराज का ये हत्याकांड हुआ है भाजपा सपा के आरोप पर ये कहते हुए मोर्चा खोले हुए हैं
कि इस घटना का मास्टरमाइंड अतीक अहमद सपा राज में ही पनपा है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो लिस्ट जारी करने की मांग अखिलेश यादव ने की है, क्या वो जारी होगी, और होगी तो क्या एक एक माफिया पर एक्शन होगा। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि 2024 की चुनावी जंग में अब सिर्फ एक साल का वक्त बचा है और जब चुनाव आएगा तो इस हत्याकांड का जिक्र भी खुलकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। संकट में सपा का एक और सिपाही, जमीनी विवाद में मारपीट आई, क्योंकि बरेली से सपा विधायक अताउर रहमान पर समझौता कराने के नाम पर मारपीट और हत्या और धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि विधायक अताउर रहमान ने समझौता कराने के बहाने दोनों पक्ष को अपने कार्यालय पर बुलाया, समझौता नहीं कराने पर दोनों पक्षों को बेरहमी से मारा पीटा। वही विधायक अताउर रहमान को ये राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है। संकट में सपा का एक और सिपाही, जमीन विवाद में मारपीट आई, विधायक के खिलाफ एफआईआर, क्या होंगे गिरफ्तार। अभी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी और उन पर दर्ज मुकदमों की लिस्ट खत्म भी नहीं हुई थी कि अब सपा का एक और विधायक संकट में पड़ गया है, क्योंकि बरेली से सपा विधायक अताउर रहमान के खिलाफ हत्या और मारने पीटने के आरोप में बरेली के बहेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि विधायक अताउर रहमान ने समझौता कराने के बहाने दोनों पक्षों को अपने कार्यालय पर बुलाया और समझौता नहीं करने पर दोनों पक्षों को बेरहमी से मारा पीटा। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने जान बचाकर भागते हुए लोगों पर अपने रिवाल्वर से फायरिंग भी की। अब इसी को लेकर पुलिस ने विधायक अताउर रहमान समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना बहेड़ी में एक वादी है अनीस अहमद जी, उन्होंने कल थाने आके प्रार्थना पत्र दिया कि उनका एक पक्ष से विवाद चल रहा था, तो विधायक जी ने अपने ऑफिस में दोनों पक्षों को बुलाया था सुलह समझौते के लिए, और जब समझौता नहीं हो पाया तो उनके साथ मारपीट करी और फायर भी किए, तो इस तरह से उन्होंने आके थाने तहरीर दी थी, तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। वहीं खुद पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद समाजवादी पार्टी विधायक अताउर रहमान का कहना है कि ये दो भाइयों का आपसी विवाद था जो समझौता कराने के लिए उनके पास आए थे, लेकिन इस दौरान दोनों में कहा सुनी और मारपीट हो गई। हालांकि बाद में दोनों का समझौता भी हो गया, लेकिन किसी के बहकावे पर अनीस अहमद ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। देखिए, वहाँ मुश्किल से ये लोग 25 या 30 मिनट रहे हमारे कार्यालय, क्योंकि आते ही इनमें कहा सुनी हो गई और हाथापाई भी इन लोगों में हुई, तो तभी मैंने इनसे कहा भाई आप लोग जाओ, जब तुम लोग यहीं पर लड़ रहे हो तो कैसे तुम्हारी पंचायत होगी। वो लोग चले गए, उसके बाद में जब ये सब हुआ तो फिर रात में उन्हें बैठा के उनका आपस में हमने राजीनामा भी करा लिया, तो बात भी नहीं, दोनों हमारे ही लोग हैं। हालांकि बरेली के एसएसपी अखिलेश चौरसिया का कहना है कि अनीस अहमद खुद तहरीर लेकर थाने आया था, उसी ने विधायक अताउर रहमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें एक जो अभी सपा के विधायक हैं उनके, इसके अलावा चार लोगों पे एफआईआर पंजीकृत करी गई है और साक्ष्यों के आधार पे जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पे कार्रवाई करी जाएगी। दरअसल एक जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए विधायक ने कुछ लोगों को अपने कार्यालय बुलाया था और वहीं पर एक युवक के साथ मारपीट करने का, उस पर चाकू से हमला करने के आरोप विधायक पर लगे हैं। युवक की शिकायत के बाद विधायक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था, बल्कि कुछ लोग खुद उनके कार्यालय आए थे। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मुकदमे के साथ विधायक अताउर रहमान के बुरे दिन तो शुरू नहीं हो जाएंगे, क्योंकि विधायक इरफान सोलंकी का केस भी ऐसे ही शुरू हुआ था। उन पर एक महिला के घर में आगजनी और धमकाने का आरोप लगा था, जिसके बाद न सिर्फ इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी हुई बल्कि उन पर अब तक कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बात यहां तक आ गई है कि उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हो गई है, जिससे बात इरफान सोलंकी की विधायकी पर आ गई है। अब यही संकट अताउर रहमान के सामने खड़ा है, क्योंकि अगर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने जैसी बातें तय हो गई तो सपा विधायक अताउर रहमान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद 50 लाख की फौज, भाजपा की इलेक्शन डोज। यूपी में बीजेपी ने अपने लिए 80 सीट का टारगेट रखा है, जिसे पूरा करने के लिए अब भाजपा ऐसे चक्रव्यूह को रचने जा रही है जिसके जरिए न सिर्फ 80 सीट के लक्ष्य को पूरा करना है बल्कि अपने इस चक्रव्यूह में सपा बसपा कांग्रेस को इस कदर फंसा देना है कि कोई भी दल खाता तक ना खुल पाए।
मिशन 80 की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। 50 लाख की फौज, भाजपा को ताकतवर बनाने की डोज। 2024 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक शहमात का खेल अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के मोर्चे पर भाजपा को चुनौती दे रही है, वहीं भाजपा ने दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में अपने लिए 80 सीट की एक लंबी लकीर खींची है, और अब अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए जो नई स्ट्रेटजी तैयार की है, उसके मुताबिक बूथ पर भाजपा 50 लाख कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी करने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य को पाने के लिए हर रणनीति अपना रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 50 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर तैयार किए जाएं। इसके लिए भी पार्टी ने अपनी एक नई रणनीति तैयार की है। लगातार उत्तर प्रदेश में बूथ सशक्तिकरण का जो अभियान है वो कार्यक्रम हो रहा है, और उसमें पार्टी ने ये तय किया कि हर एक बूथ पर 11 जो सक्रिय सदस्य हैं उनको जो है कमेटी में रखा जाएगा। दरअसल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा बूथ हैं, और इन दिनों पूरे प्रदेश में भाजपा का बूथ सशक्तिकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।